यूपी के बुलंदशहर में सरकारी क्रय केंद्रों पर मक्का की खरीद न होने और उपज का वाजिब दाम न मिलने पर खफा भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मक्का को स्टेट हाईवे पर फेंक दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सरकारी क्रय केंद्र नहीं खुलने से मंडियों में बिचौलिए 700-800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्का खरीद रहे हैं, जबकि मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपये प्रति क्विंटल है। स्टेट हाईवे 65 पर मक्का फेंकते किसानों की यह तस्वीर बुलंदशहर के सियाना की है। किसानों के मुताबिक बुलंदशहर में प्रशासन ने मक्का खरीद का एक भी क्रय केंद्र नहीं खोला है, इसलिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मजबूरन मक्का अनाज मंडियों में औने पौने दामों में बेचनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मक्का का समर्थन मूल्य 1800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, जबकि अनाज मंडियों में मक्का की कीमत 700-800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही मिल रही है। आज हमने ज्ञापन दिया है मजिस्ट्रेट साहब को, हमारी सरकार ने जो हमारी खरीफ की फसल थी मक्का, उसका MSP घोषित किया था 1800 रुपये क्विंटल, और आज किसान की मक्का बिचौलिए लुटेरे लूट रहे हैं 750 रुपये 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने इसका न्यूनतम मूल्य घोषित किया और हमारे जनपद के अंदर एक भी खरीद केंद्र आज तक नहीं लगाया, जबकि किसान की मक्का समाप्ति की तरफ है। हमने आज उसमें यही विरोध प्रदर्शन किया है, अपनी जो खरीफ का उत्पाद था हमारी मक्का, हमने उसे स्टेट हाईवे 65 पे फेंका है, और ये प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे जनपद के अंदर मक्का की खरीद के केंद्र लगें, 800-1800 रुपये हमारी मक्का बिके, ताकि 800 रुपये में जो लोग हमारी मक्का को लूट रहे हैं, किसान उस सीधी खुली लूट से बच जाए। हमारा यही आज इसे लेकर हमने ज्ञापन दिया है, और यही हमारा मजिस्ट्रेट साहब से कहना है, अगर इस ज्ञापन के माध्यम से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम अगला कदम जो है और उठाएंगे और रखेंगे। इससे किसानों को उसकी लागत के बराबर मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इसी से खफा भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज स्टेट हाईवे पर मक्का फेंककर विरोध दर्ज कराया। हमारी खबर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।